गाइज यहाँ से आप लोगों को बाहर का जो व्यू है वो भी देखने। तो ये था हम लोगों का किचन। किचन के बाद दुनिया भर की घर मिलेंगी क्यों इसके। और यहाँ पे हैं छोटे छोटे कैबिनेट्स। इन कैबिनेट्स में अंदर इस वाले में तो टैंकी है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सईद हुसैन, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। होप आप सब लोग खैरियत से, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो काफ़ी लोग मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि अपना हाउस टूर वीडियो बनाओ, हाउस टूर वीडियो बनाओ। सो फाइनली आई एम हियर विद हाउस टूर वीडियो। पिछले व्लॉग में तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हमें आपका हाउस टूर वीडियो चाहिए, हाउस टूर वीडियो चाहिए। तो यस, करते हैं अपना हाउस टूर वीडियो स्टार्ट। सो सबसे पहले ये है हम लोगों की आपकी पास जमीन, पता नहीं किसकी है, कॉलेज आस पास जहाँ पर मैं और दीदी कभी कभी गाड़ी सीखते हैं। तो फिर उसके बाद ये हम लोग का गेट जहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। एंड इग्नोर माय चप्पल बिकॉज़ जस्ट इग्नोर इट। फिर उसके बाद दिस इज आवर पार्टी रूम, दीदी का मिनी, एंड दैट इज दीदी का मिनी किचन गार्डन ना। हाँ, उसमें मैं बताती हूँ, उसमें आप लोगों को बताती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें लगा है। उसमें है व्हाट इज दिस, बबरी ना, दिस इज बबरी, दिस पता नहीं, ये पता नहीं क्या है वो। दीदी क्या है, खीरे का था, खीरे का। अच्छा वो हम ही ने लगाया था। और ये है वो, उसको बोलते हैं वो क्या, पुदीना। पुदीना, पुदीना, हाँ ये पुदीना है। और वो दीदी का प्यारा सा रोज का पेड़ है जो कि ऊपर खोपड़ी से सूख चुका है। तो ये दीदी का छोटा सा किचन गार्डन है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे तो दिख रहा होगा कि नलका लगाया है जो कि हम पाथ वगैरह धोते हैं इधर से। फिर उसके बाद ये डस्टबिन रखी हुई है, इधर हैदर की साइकिल है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हम मासी से गाड़ा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का छोटा सा स्टोर जिसमें हम लोगों ने फालतू की चीज़ें रखी हैं जो कभी यूज में नहीं आती हैं बट बहुत ज़्यादा काम दे रहा है। तो यस, ये था बाहर का। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जैसे वो अभी मकान बेचना है हम लोगों को और खरीदार के लिए, अगर खरीदना भी होगा बता देना मुझे। फॉर सेल कुछ चावल रखे हैं लोगों ने सूखने के लिए, सूखने के लिए नहीं, साफ कर, साफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक शू रैक, शू रैक के इधर पे जैसे चप्पल हम लोग उतारते हैं। फिर इधर से ऊपर सीढ़ियाँ हैं। सो गाइस ये है हम लोगों की दहलीज, जैसे हॉस्टल रूम में मेरी वो दहलीज थी वैसे ये भी दहलीज बोलते हैं को। हाँ वो ये। सो ये हम लोगों का दरवाज़ा, और इस दरवाजे में से अंदर जाने से पहले आप लोगों को हम लोगों का फैमिली मेंबर बनना है। और वो कैसे आपने बनना है, सब्सक्राइब करके, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस फैमिली में ऐड हो जाओ। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर। बाय द वे दो दरवाजे हैं, एक ये है एक ये है। ये हम लोग यूजुअली समर्स में बंद ही खुला रखते हैं क्योंकि गर्मी होती है ना, तो ये विंटर्स में बंद ही रहता है। तो यहाँ से अंदर आने के बाद ये है हम लोगों की लॉबी जहाँ पे हम लोगों ने सोफा लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने सोफा लगाया हुआ है। इसके आगे है यहाँ पे टीवी जो कि मैं 24 घंटे इधर पे पड़ी रहती हूँ और कार्टून्स देखती रहती हूँ। यूजुअली मैं आपको यहीं से बोलती हूँ ना कि गाइस मैं अभी यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ, कार्टून खा रही हूँ, तो वो यही जगह है। सो लॉबी के बाद ये भी लॉबी का हिस्सा है ना दीदी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है अपना फ्रिज जिसमें कि आपको दुनिया भर की घर मिलेंगी क्यों इसके मतलब दुनिया भर की चीजें मिलेंगी आपको इसमें। इसके ऊपर हम लोग ने रखा है फ्रिज, फ्रिज के ऊपर वो एक फ्रिज के ऊपर फ्रिज, सॉरी नॉट फ्रिज, फ्रिज के ऊपर ओवन। तो फ्रिज के ऊपर ओवन रखा हुआ है जो कि हम लोग कभी कभी यूज करते हैं बिकॉज हम ज्यादा ओवन में बनाते नहीं है कुछ। तो दीदी ने डिसाइड किया कि मेरे बर्थडे पे दीदी केक बनाएगी, वही जो पिछली बार बनाया था केक अगर आपको ये याद होगी तो। तो उसके साथ हम लोग ने रखा है लॉन्ड्री बास्केट जिसमें हम लोग अपने गंदे कपड़े रखते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे वॉशरूम मैं आपको दिखाऊंगी के साथ बोलते क्या होगा वॉशरूम दिखाती है अब हम तो दिखाएंगे ना। सो फिर उसके बाद आता है हम लोगों का किचन। इसका दरवाज़ा जो है मैं खोल के भूल जाती हूँ और मम्मा से बेइज्जत होती हूँ क्योंकि मैं दरवाज़ा खोल के बंद करना भूल जाती हूँ। सो फिर उसके बाद किचन में यहाँ पे आता है हम लोगों के दीदी की कप कलेक्शन जो कि सब कुछ दीदी है बट यस है कुछ ना कुछ तो है। सो फिर ये है किचन, फिल्टर, गैस, ये
ये काउंटर वगैरह नीचे भी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, उधर डस्टबिन रखी हुई है, सो यस। और यहाँ पे हम लोगों की बैठक है जहाँ पे विंटर्स में सब एक साथ जुड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है कश्मीर में, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये था हम लोगों का किचन। किचन के बाद हमारा है जहाँ से आप लोग मुझे देखते थे, इधर से शूट करके उधर, घुसे शूट करके उधर। सो दिस इज माई रूम, जो कि जब से मैं गई हूँ मेरा रूम कहलाने के, सिर्फ कहलाता है बट रहा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर वीडियो का सामान रहता है। सो ये दिस इज माई रूम, इतना सही है। मेरे बॉक्स में मिला उसे कुछ क्या बोलते हैं इनको, इन टॉयज को सॉफ्ट टॉयज है। एंड ये खिड़की, यूजुअली मैं यहीं से बैठ के अपनी वीडियो का की शुरुआत करती हूँ बिकॉज यहाँ से लाइटिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। दिस वॉज माई रूम और ये है मेरा जिसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, सेम दिस वॉज माई रूम। सो इसके बाहर आता है दूसरा कमरा जो कि है ये वाला, तो ये है दूसरा कमरा जिसमें सामान वगैरह बैठा करते हैं, कोई भी सोच सकता है कोई भी सोच सकता है यहाँ पे। सो ये है मेरा जिसमें कपड़े रखे गए हैं दीदी के और मम्मा के, सो ये और ये दीदी की कुछ बुक्स हैं उनके रखा हुआ है। तो दिस वाज सेकंड रूम। तो ये थी ग्राउंड फ्लोर थी, ये ग्राउंड फ्लोर थी ना, फर्स्ट फ्लोर जिसमें आप लोगों को यहाँ पे आते ही ये जगह मिल जाएगी, जगह क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है जिंजर का खाना और जिंजर का शौचालय। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ अपना फ्रीजर जिसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल, कुछ भी नहीं है बाकी यहाँ पे कुछ है। Tell me your desi without telling me your desi. फिर उसके बाद यहाँ से आता है भाई का कमरा जो कि मेरे सुबह ही साफ किया है वीडियो के लिए, वरना बहुत ज़्यादा मैसी होता है। तो यस दिस ये है भाई का कमरा, उसको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक है तो इसलिए चीज़ें ला के रखी हुई हैं। फिर उसके बाद ये है स्टडी टेबल, मेरा चोरी किया जब से मैं गई हूँ, इन लोगों को लग रहा है शायद मैं वापस ही नहीं आऊँगी, मेरा स्टडी टेबल चोरी किया, ये उसका पाउडर पे जहाँ पे वो कपड़े वगैरह रखता है। और ये यहाँ पे है इसकी कुछ बुक्स जो पढ़ता है, आई गेस पढ़ता तो नहीं है पर रखी हुई है, पढ़ता भी हो सकता है। और ये कुछ दूसरी रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। सो यस यहाँ भाई का कमरा, भाई के कमरे के साथ में यहाँ पे है वॉशरूम जो कि अगेन मैं दिखाऊंगी खोल के आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है और एक हॉल आता है, कमरा नहीं कुछ नहीं। तो ये है हॉल हम लोगों का जिसमें यहाँ पे हम लोग बिस्तरे वगैरह रखे हुए हैं, ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। सो इस हॉल और वहाँ पे कुरान शरीफ वगैरह रखा हुआ है, नमाज वगैरह भी कभी कभी यहाँ पे पढ़ते हैं, नीचे वगैरह वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हॉल, गाइज यहाँ से आप लोगों को बाहर का जो व्यू है वो भी देखने को मिल सकता है, देखिए आप कितनी अच्छी जगह है, सुकून इट्स सुकून हियर। तो मैंने लाइट्स कर दी है बाहर, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग बाहर। साथ करन कैनन देना इतनी ज्यादा बगा रही है। तो ये थी हम लोगों की था हम लोग का फर्स्ट फ्लोर, और वहाँ पे कुछ फ्रेम्स लगाए जो कि मैंने भी आज पहली बार कब के लगाए। तो यहाँ से फिर ऊपर आएंगे हम लोग अपने सेकेंड फ्लोर पे जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो यस कैमरा मैन आ जाइए।
हम दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत से सफाई की है इसकी। और जब हम लोग सफाई करते मैं बोलती दीदी यार ये कैसे दिखाऊंगी सबको ये ऐसे अजीब सा, तो दीदी बोल रही क्यों गाइस के घर में बिस्तर नहीं होते हैं, तो ये सब कुछ बिस्तर है, तो बिस्तर वगैरह यहाँ पर भी कुछ बिस्तर वगैरह है, अलमीरा वो लॉकर हमें हॉस्टल में ऐसी अलमीरा है हम लॉकर बोलते हैं। सो यस, फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे हैं छोटे छोटे कैबिनेट्स। इन कैबिनेट्स में अंदर इस वाली में तो टैंकी है अंदर पानी की, और ये कैबिनेट्स हैं इनमें भी अंदर सामान बहुत सारा भरा हुआ है देसी लोगों ने, बहुत ज्यादा सामान है। ये भी एक और यहाँ पे भी छोड़, वहाँ बहुत गंदा, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और वहाँ पे एक कैबिनेट है और वो वहाँ पे भी है कैबिनेट। सो यस, इतने सारे कैबिनेट्स हैं, फिर भी सामान हम लोगों को बाहर रखना है। तो ये था मेरा हाउस रूम, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। शादी भी चल रही है। सो या, सो यस, दिस वाज माय हाउस टूर। तो इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को करते हैं यही बैन, सो कि आपको मेरे रगर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं बैन, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक सॉरी वीडियो ब्लॉग हाँ व्हाटएवर, सो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ओहो शिट, चल आवाज मुझे लगता है फैन बंद क्योंकि आवाज नहीं आ रही। बिस्तर वगैरह है वहां भी कुछ, तो हो गई स्टार्ट। तो बिस्तर लाइट्स ऑफ यस सर। बाद यहां से आने की बाद कैमरामैन उसकी